सो गाइस, इस कटसीन में तो हमने देखा कि जोसेफ सॉलोमन को कैसे फिलिपा ने मारा वैन से ईवालन के कहने पर, बट ये सब हमको सिर्फ ईवालन की साइड का दिखाया गया है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मिस्ट्री सिर्फ आधी सॉल्व हुई है, आधी बाकी है और बाकी की मिस्ट्री आइस स्क्रीम चैप्टर 7 में सॉल्व होगी या फिर क्या आइस स्क्रीम 6 में एक और अपडेट आएगा आने वाले टाइम में जिसमें हमको जोसेफ सॉलोमन की साइड भी दिखाई जाए। क्या जोसेफ सॉलोमन को ऑलरेडी ऐसा कोई हिंट मिल चुका था कि ईवालन उसके जान के पीछे पड़ी हुई है और आखिर वो क्यों पड़ी हुई है, जोसेफ सॉलोमन ने ऐसा क्या किया था? तो ओवरऑल अभी तक हमें सिर्फ ईवालन के साइड का ही सीन पता चला है, हमें जोसेफ सॉलोमन के साइड का कुछ भी नहीं पता। एंड जोसेफ सॉलोमन के साइड की मिस्ट्री भी उतनी ही मजेदार होने वाली है जितनी हमको ये ईवालन के साइड की पता चली। एंड ऑल्सो गाइस, हो सकता है कि आइस स्क्रीम के चैप्टर 7 में हम रॉड की वैन से ट्रेवल कर सके इधर से उधर, क्योंकि इस कटसीन में भी हमको एक बहुत बड़ा मैप दिखाया गया है एंड ऑल्सो हम वैन का डोर भी खोल सकते हैं। एंड ऑल्सो जो सिस्टर मेडलाइन का जो कटसीन है वो उस एरिया में है जो कि ईवालन 1 का लॉन्ड्री वाला एरिया है जहाँ पे सारे बच्चे ट्रैप रहते हैं। तो हो सकता है कि आइस स्क्रीम चैप्टर 6 में हमको ईवालन का जो स्कूल है उसका भी कुछ एरिया देखने को मिले, मतलब हम उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सके मे बी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना अपना ओपिनियन, क्या हम सच में कभी आइस स्क्रीम में रहकर ईवालन के स्कूल को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं? और क्या आइस स्क्रीम में कोई और अपडेट आएगा जिसमें हमको जोसेफ सॉलोमन की तरफ से भी स्टोरी दिखाई जाएगी? एंड ऑल्सो ये तो पता है कि जोसेफ सॉलोमन का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन क्या वो इस एक्सीडेंट के बाद मरा था ये अभी क्लियर नहीं है। पुलिस के सायरन की आवाज एंड में हमें सुनाई देती है बट इससे ये क्लियर नहीं होता कि जोसेफ सॉलोमन एक्चुअल में मर गया है। बाकी जो भी है आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा, मे बी 6 के किसी नए अपडेट में या फिर आइस स्क्रीम 7 में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।